मॉस्किटो बोलना टुकू मॉस्किटो। ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती? हस्बैंड। क्या बोला तूने? हस्बैंड किस एंगल से? उसको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो जब चाहे तब। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। मेरे भाई का ख्याल रखना। पहली बार सुहागरात मना। अच्छा जी, जैसे हमने तो पता नहीं कितनी बार मनाई है, हमारी भी पहली बारी है। ये भी ठीक है। घूंघट उठाऊं क्या? वो तो मैं खुद भी उठा सकती हूँ ना, वो उठाओ जो मुझे चाहिए। समझ रहे हो? दूध नहीं पिलाओगी? नहीं जल्दी। एहे, रहा नहीं जाता। तो इजाजत हो तो तुम्हें पाँव में भर लूं? अरे हमने तो कभी परायों को मना नहीं किया, आप तो खुद ही हमारे पति हैं। और मुझे लोग प्यार से किस नाम से बुलाते हैं बेटा? रणदीप। सो वो कैंडी आगे स्वाद। सन्नी देओल जैसी बॉडी बनानी है ना, तो सनी लियोनी को देखना छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? मेरे को बिग बॉस 10 ऑफर हुआ था सबसे पहले। अच्छा। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी को बोला 3 महीने अकेले लड़की को भेज दूं, तेरा दिमाग खराब है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मी ने बिग बॉस में जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन हजारों लोगों के सामने नाचने की इजाजत दे दी। वेलकम बैक हो गया चैनल पर। आज के हम अपने इस फनी रैंडमली एंड स्टूपिड वीडियो के पार्ट 4 में क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। क्या बोला तूने? हाँ वो भी। वाह। दो चार नहीं बल्कि 15-20 फनी स्टूपिड रैंडमली वीडियो लेकर आया हूँ, जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे ये तो टट्टी है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? कान। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना, और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल पर ये जो बेल आइकॉन है इसको भी दबाना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। मैं इतने दिनों बाद बिग बॉस में आई हूँ, इस बीच में आपको कभी मुझसे मिलने की टेम्पटेशन नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है रिक्वेस्ट? एक सपना है। सपना है? आइए आइए, मैं आपका सपना कभी ना कभी जरूर पूरा करूंगा। डांस करने का ना, लेकिन आज नहीं होता क्यों? अरे सर बहुत अच्छा लगा, रोज हम खड़े होके लेते हैं लेकिन आज बैठ के लिए तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। प्यारी समझ गई। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मून पर सेक्स कर सकते हैं या नहीं, चलो अब जानते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से नासा और बाकी स्पेस एजेंसी। अरे हाँ भाई, चांद पर करेगा। अरे रुक रुक रुक, इधर देख, आंखों में देख, तुझे यहाँ कोई देता है जो तुझे चांद में भी देगा। हाँ बॉस, कौन सी ब्रीड का है? और कुत्ता? मेरे वजह से बना है वो सुपरस्टार। बेटा हेलो, ये यहाँ कोई लड़कियों का ट्रक उलट गया है क्या? हो गया हो गया, खुर्रम नाम रखेंगे। वाह। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या रोज साहिबा? मैं इस बात को क्लियर मैं चाहूंगा आप लोग करें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिसेंट वे, हम लोगों को अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और हम लोग इसको लंबा मोटा और सीधा करने में लगे हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोनू कहता है कपिल शर्मा बहुत ही बकचोद आदमी है। मुझे कोई टेंशन वाला काम करना ही है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि लोग मेहनत करें और मुझे पैसे मिले। तो बेटा तू एक काम कर, सरसों का तेल ले और उल्टा लेट जा। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको देख के ना ऐसे पता नहीं अंदर से कुछ फील हो रहा है कि यार विनय ये लड़की ना ये सिर्फ तेरे लिए है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, और पता नहीं अंदर से एनर्जी आया और मैं आपके पास बात करने आ गया। थैंक यू। मजाक नहीं, जब मैं आ रहा था ना तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर अब कुछ और खड़ा हो रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा ये बात सही है क्या, गरीब की छत और अमीर की वीडियो हमेशा लीक होती है? अंदर नहीं बुला गए? आइए आइए आइए। अप्पू मेहमान आए, कुछ पहन लो, आधे नंगे आप। अरे तू तो पूरा नंगा है, अंदर भाग। बेबी एक बात बोलूं? हाँ बोल। बॉयफ्रेंड इज हनी जब तक देता है वो मनी। वैसे गर्लफ्रेंड इज क्यूट जब तक देती है वो।
प्यारी समझ गई। मियाँ बीबी की जब लड़ाई होती है तो वो बर्तन तोड़ते हैं, जब उनकी सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? बेड। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको गालियाँ भी आती हैं। सर मेरे को बहुत गंदी वाली आती है। वैसे लड़कों से ज्यादा गंदी गालियाँ ना लड़कियों को आती हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप बाप की क्या? बेटी। माँ की? बेटी। बहन की? तुम्हें कोई बनाना ले कोई गोड़ी आगे स्वाद। बात बात मैं आपसे नाम पूछना भूल गया, क्या नाम बताया आपने अपना? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा नाम दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिया, ये अंधेरे में दिए की जरूरत थी। शादी क्यों नहीं कर लेते? कब करोगे? मतलब शादी शादी जो है सर वो एक जिम्मेदारी है। मैं अभी जरा एंजॉय करना चाहता हूँ जिंदगी। नहीं शादी तुम कर लो, जिम्मेदारी कोई और उठा लेगा। वाह क्या सीन है। I like your lips. I want to taste your lips. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। I like your बुबू। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। घर बैठकर पैसा कैसे कमाएं? एक तेल और एक चटाई लाएं, फिर उल्टा लेटकर गाना गाएं। हाँ बेटे, घर में बैठकर एक यही तरीका है पैसे कमाने का। इसमें कूदने में मजा आएगा। क्या बोला तूने? तुम्हारा मतलब है कूदने में मजा आएगा? वही वही वही। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब तो हर रात चादर में तुम्हें चूस के सोना पड़ेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। घुस के सोना पड़ेगा। राइट 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 राइट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रॉन्ग, चूस के सोना पड़ेगा। हरामी हो बेटा। छी, ये वॉशरूम में क्या गिराया तुमने? शैम्पू है यार। तुम शैम्पू कब से लगाने लगे? तुम तो गंजे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। क्या देख के शादी करते? मैं वो बाद में बताऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।